स्वयं शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह। एक बार अवश्य पधारें। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स दमोह बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। बेल्टवर्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। दमोह जिले के केंद्रीय विद्यालय में वर्ष 2016 में ग्वालियर से आए आरेट के 3 अधिकारियों के द्वारा रिश्वत मामले में रंगे हाथों एक निजी होटल में लोकायुक्त की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसकी सुनवाई आज दमोह कोर्ट में की गई, जिसको लेकर लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई के बाद आज 3 अधिकारियों को 4 साल के कारावास की सजा व जुर्माना से दंडित किया गया है, जिसके संबंध में अभियोजक के द्वारा विस्तार से जानकारी देते हुए जानकारी दी गई। क्या कुछ कहना है आइए सुनते हैं। ये सर मामला क्या है? आज विशेष न्यायाधीश डॉक्टर आरती शुक्ला पांडे लोकायुक्त द्वारा आरोपीगण ऑडिट ऑफिसर जी एस यादव, अशोक पाल एवं एल के श्रीवास्तव को 4 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना वर्ष 2016 की थी। ऑडिट टीम ग्वालियर से प्राचार्य और केंद्रीय विद्यालय दमोह के लिए ऑडिट के लिए आई थी, जो प्राचार्य से 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रही थी। जो लोकायुक्त में प्राचार्य अवस्थी द्वारा शिकायत की गई थी इसकी, क्योंकि वो रिश्वत नहीं देना नहीं चाह रहे थे, और लोकायुक्त टीम द्वारा कैप्टन लाज में आरोपीगण को रंगे हाथों 20,000 रुपये के साथ पकड़ा गया था, जिसमें आज माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपीगण को दोषी किया गया है और 4 वर्ष से दंडित किया गया है। मामले में पैरवी श्री अनंत सिंह ठाकुर द्वारा की गई। क्या नाम है आरोपी? आरोपीगण जी एस यादव ऑडिट ऑफिसर और एल के श्रीवास्तव एवं अशोक पाल सीनियर ऑडिट ऑफिसर थे ये लोग, और ऑडिट करने आए थे।